अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है परिवहन। एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं एनरिक पेनलोसा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन कही है, मैं यहाँ आपके इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। अ डेवलप्ड कंट्री इज नॉट अ प्लेस वेयर पुअर हैव कार्स, इट्स वेयर द रिच यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक विकसित देश वो नहीं है जहाँ गरीब लोग भी कार से चलने लगे, विकसित देश वो है जहाँ अमीर और समृद्ध लोग भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए बसों में चलने लगे। लेकिन सक्षम और संभ्रांत वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तो तब करेंगे जब वो क्रेडिबल हो, उसके बस के आने की गारंटी हो, उसमें जगह मिलने की गारंटी हो, उसमें सुविधाएं हो। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी स्टडी की है, और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की स्मार्टनेस यहीं से होनी शुरू होगी, ऐसा मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ। इसमें सार्वजनिक स्थानों का बंटवारा, माने इस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि लोग अपने सफ़र की योजना बना सकें, सब कुछ ऑनलाइन कर सकें। आप यहाँ बैठें, आपको यहाँ से बाहर मेट्रो मिल जाएगी, जिस मेट्रो स्टेशन पर आप उतरेंगे उससे 5 मिनट पहले आप अपने मोबाइल पर देख लें कि यहाँ पर आने वाली बस, जिस स्टॉप पर मैं उतरने वाला हूँ, अब उस बस स्टॉप पर कोई बस आने वाली है, वो बस आपके मोबाइल पर आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में आने वाली है। वो एसी बस आपको चाहिए तो एसी बस कितनी देर में आएगी, ऑर्डिनरी बस कितनी देर में आएगी, उसमें कितनी सीटें खाली हैं, ये सब चीज़ें करने का जो प्रस्ताव है इसी को स्मार्ट सिटी कहेंगे। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक की भी गई, ये शुरुआत की गई थी, ये लंबित पड़ी हैं योजनाएं, इनको और रिफाइन करके और दिल्ली में व्यापक करके लगाने की योजना है। क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं होगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा उसके बाद मुझे बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां से मैं उतरूंगा तो ई रिक्शा या ऑटो तक को, आप मेट्रो में जाएं, आप बस में जाएं, आप ऑटो में जाएं, सबको इंटीग्रेटेड करने की योजना है। सबको एक बार इंटीग्रेटेड करेंगे और आने वाले समय में, अभी उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं किस तरह से हो, इंटीग्रेटेड फेयर करने की भी योजना है कि आप घर से निकलें, इंटीग्रेटेड आपके पास टिकट हो, आपको जगह जगह टिकट खरीदने की जरूरत ना हो, आप उसी से मेट्रो में बैठ जाएं, उसी से बस में बैठ जाएं, उसी से ऑटो लेके निकल जाएं, ये सब भी योजना कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको पूरे दिल्ली में कैसे स्टडी करके लागू किया जाए, इस पर स्टडी पूरी चल रही है, और ये संभव है, असंभव चीज़ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में परिवहन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित 5,085 करोड़ रुपये हैं। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना बजट के रूप में 3,695 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहा हूँ, जो 2014-15 में व्यय की गई राशि से 23% अधिक है। मैं निजी क्षेत्र की व्यापक वित्त व्यवस्था के जरिए सड़क क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखता हूँ। सड़कों के विकास, संचालन, रखरखाव में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक समुचित मॉडल सरकार तैयार कर रही है, और जल्द ही इसको अमल में लाने में काम शुरू हो जाएगा। सरकार 2016 के अंत तक DTC के तहत 1380 सेमी लो फ्लोर बसें और 500 मिडी बसें खरीदेगी, और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें जोड़ेगी। हम यात्रियों को अलग तक, जैसा मैंने कहा कि एसी, नॉन एसी, कंफर्ट के हिसाब से, आप संभ्रांत वर्ग को भी अगर उसकी कार से बाहर निकाल के बस में लाना चाहते हैं तो आपको बसों का उपलब्धता और स्तर डायनेमिक रखना पड़ेगा, उसमें डायनेमिज्म लाना पड़ेगा। तो सरकार अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। इसके लिए हमें बस डिपो बनाने के वास्ते DDA से करीब 500 एकड़ जमीन प्राप्त करनी होगी। हमारी सरकार बस डिपो के लिए निःशुल्क भूमि के आवंटन के वास्ते शहरी विकास मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है, और हमें उम्मीद है कि वहाँ से सकारात्मक जवाब मिलेगा। हम बसों के लिए निर्धारित विशेष लेन भी बनाने पर प्रस्ताव रखेंगे, ताकि बसों की आवाजाही, जब इतनी संख्या में बसेज हों और लोग बसों में चलना तेज़ी से शुरू करेंगे, तो फिर बसों की आवाजाही निर्बाधित और सुचारू रूप से चल सके। NCR में प्रचालन के लिए 5,500 नए ऑटो परमिट जारी किए जा रहे हैं। द्वारका रोहिणी सेक्टर 28 और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। इन टर्मिनलों में बस यात्रियों, विशेषकर महिला बस यात्रियों के लिए सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव है। मेट्रो परियोजना के फेज 3 में 6 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं।
जिससे दिल्ली में 117.57 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। फेज थ्री के दो कॉरिडोर चालू वित्त वर्ष में पूरे होने की आशा है। केंद्रीय सचिवालय से आईटीओ तक मेट्रो लाइन जून 2015 में चालू कर दी गई है और कश्मीरी गेट तक इसका विस्तार मार्च 2016 तक पूरा हो जाएगा। जहांगीरपुरी से बादली कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 मेट्रो फीडर रूट पर 304 नई मिनी बसें शुरू की जाएंगी मेट्रो फीडर के लिए। मैं चालू वित्त वर्ष में डीएमआरसी के लिए 1217 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूँ। बारापुला नाला पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए अरविंदो मार्ग तक एलिवेटेड रोड का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के दौरान सराय कालेखां से मयूरविहार तक निर्माण कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू किया जा चुका है। विकासपुरी से वजीराबाद कॉरिडोर की कंपोजिट परियोजना चालू वित्त वर्ष में पूरी की जाएगी, जिसके अंतर्गत एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे आउटर रिंग रोड पर 20 किलोमीटर मार्ग जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ 75% पूरा हो गया है और यह पुल अब जून 2016 में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, तब तक पूरा कर लिया जाएगा। बाहरी रिंग रोड पर राव तुलाराम जंक्शन पर पैरेलल फ्लाईओवर के निर्माण और बीजे मार्ग रिंग रोड पर जंक्शन पर अंडरपास के निर्माण की योजना 314 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और इसे अगले साल तक पूरा किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और हर वर्ग हर उम्र के लोगों के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को यूज़ करने के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कायम करने के लिए हम दिल्ली में ई रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं। ई रिक्शा के लिए ई रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में करीब 24,000 ड्राइवरों को पंजीकृत कर लिया गया है। ई रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। ये वाहन पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। इसे देखते हुए ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा की खरीद पर 15,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है ई रिक्शा की खरीद पर। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यात्री सूचना प्रणाली काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड बना के उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं दिल्ली के एक और पहलू पर आता हूँ जिसकी अपेक्षा हमारी सरकार से भी बहुत है लोगों को और साथ साथ दिल्ली की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली की सिर्फ आधी नहीं दिल्ली की सारी जनता प्रभावित होती है। महिला सुरक्षा हमारी सरकार की कार्यसूची में सबसे टॉप लिस्ट में शामिल है। हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरत है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली में बस यात्री विशेषकर महिला यात्री यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी DTC बसेज में और क्लस्टर बसेज में CCTV कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। DTC की 200 बसों में CCTV कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने DTC और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है ताकि अपराध समाप्त हो और महिला यात्री सुरक्षित और संरक्षित महसूस करके यात्रा कर सकें। ये मार्शल होमगार्ड और सिविल डिफेंस से लिए जा रहे हैं। ये अप्रिय घटनाओं को रोकने विशेषकर बसेज में सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए इनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि वाहन की स्थिति का पता लगाया जा सके और उसको जैसा मैंने कहा इंटीग्रेटेड रूप से भी चलाया जा सके। इस कार्य के लिए हम चालू वर्ष में योजना निधि के तहत 160 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं। सभी यात्री सेवा वाहनों के चालकों और संवाहकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने वाहन के वार्षिक सड़क उपयुक्तता निरीक्षण के नवीकरण के समय महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में कार्यक्रमों में हिस्सा लें। उनको स्पेशल ट्रेनिंग विमेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। शहर में एक और काम सरकार कर रही है, दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं की भारी कमी है, तो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार 6 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रही है।